सो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग फैमिली की बात कर रहे थे, अपने फैमिली की नहीं, फ्लावर की फैमिली की बात कर रहे थे, है ना। तो फ्लावरिंग फैमिली में सबसे पहला फैमिली बताया था कौन सा, ब्रशिकेशी फैमिली। और दूसरा फैमिली स्टार्ट आपको स्टार्ट करता हूँ, कौन सा फैमिली है, तो मालवेसी फैमिली है ना। मालवेसी फैमिली को एक और नाम दीजिएगा, कौन सा फैमिली बोल लीजिएगा, कॉटन फैमिली बोल लीजिएगा या मेलो फैमिली बोल लीजिएगा, कॉटन फैमिली या मेलो फैमिली बोल लीजिएगा। लीजिए मैं लिख ही देता हूँ, इसको बोल लीजिएगा आप कॉटन फैमिली, है ना, कॉटन फैमिली, कॉटन फैमिली। देन इसको बोल दिए कॉटन फैमिली, या इसी का नाम दीजिएगा मेलो फैमिली। कॉटन फैमिली बोल लीजिएगा या क्या बोल लीजिएगा, मेलो फैमिली बोलिएगा। तो कॉटन फैमिली बोल दिए या बोल लीजिए इसको मेलो फैमिली, है ना, मेलो फैमिली। चूंकि कॉटन इसका एक एग्जाम्पल होता है इसलिए बोलते हैं कॉटन फैमिली या मेलो फैमिली। अगले पॉइंट पे जाइएगा, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, तो बोल लीजिएगा डाइकोटिलेडोनी की कैटेगरी में आता है ना। बोल लीजिएगा ये भी डाइकॉट, ब्रैसिकेसी भी डाइकॉट है और ये भी कैसा है, डाइकॉट प्लांट ही है। अच्छा, जैसे ब्रैसिकेसी में, क्रूसीफेरी में, मस्टर्ड फैमिली में आपको बताया था पंजेंट ऑर्डर, उसी तरह से मालवेसी फैमिली में आपको म्यूसिलेज का प्रेजेंस होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट में। सर एक दो एग्जाम्पल बताइए तो याद रख पाएगा। जैसे भिंडी को काटते हैं, है ना, लेडी फिंगर को काटते हैं और इसको पानी में छोड़ते हैं, तो लगता है जैसे चिपचिपा सा कुछ अरेस्टिक की सब्सटेंस जैसा रहा है, वो है क्या एक्चुअली में, मिसलेज है। छोड़िए, आप चाइना रोज ले लीजिए, उड़हल का फूल ले लीजिए और इसको क्रश कीजिएगा, तो उसमें भी लगेगा जैसे स्टिकी चिपचिपा सा कुछ सब्सटेंस आ रहा है, वो भी क्या है, म्यूसिलेज। तो सर दो एग्जाम्पल तो याद करवा दिए आप, कौन सा था, पहला लेडी फिंगर हो गया और दूसरा चाइना रोज हो गया, जिसको आप उड़हल बोल देते हैं, है ना। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर या डायग्नोस्टिक फीचर क्या हुआ, म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन द वेरियस प्लांट ऑर्गन लाइक फ्लावर, फ्रूट और स्टिलेट, स्टार शेप्ड हेयर्स प्रेजेंट ऑन द शूट। यहाँ पे स्टिलेट की बात करते हैं तो बोल लीजिएगा कि स्टार शेप हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है रूट पे, है ना, इसको बोल देते हैं क्या, स्टिलेट, है ना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद रखना जरूरी है कि आपको म्यूसिलेज जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो इनफ्लोरेसेंस बोल लीजिएगा साइमोस टाइप देखने को मिल रहा है ना। मालवेसी फैमिली में इनफ्लोरेसेंस कैसा दिख रहा है, साइमोस टाइप देखने को मिल रहा है। और बोल लीजिएगा फ्लावर कैसा है, सोलिटरी फ्लावर है, अकेला फ्लावर है। और जैसे ही आपको बोले कि साइमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस है, तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, टर्मिनल पोर्शन पे, जैसे मान लीजिए ये आपको पेडंकल देखने को मिल रहा है, पेडंकल पे, यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो टर्मिनल पोर्शन पे आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, टर्मिनल पोर्शन पे आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पेडंकल का ग्रोथ कैसा, लिमिटेड या अनलिमिटेड, तो बोल लीजिएगा सर पेडंकल का ग्रोथ तो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल पोर्शन पे क्या आ गया, फ्लावर आ गया। तो इस तरह के इनफ्लोरेसेंस को बोल देते हैं साइमोस। सर एक बात और बताए थे कि जो नए फ्लावर होंगे ना, वो कहाँ पे दिखेंगे आपको, बेस पे नए फ्लावर दिख रहे हैं, ये बेस पे न्यू फ्लावर दिख रहे हैं, और बोल लीजिएगा एपेक्स पे सबका सब कैसा होगा, ओल्डर फ्लावर होगा। तो जैसे जो इस प्लांट में सबसे पहला फ्लावर आया था ये वाला था, दूसरा फ्लावर आया था ये वाला था, तीसरा फ्लावर आया था ये वाला था, तो नए फ्लावर किधर की ओर आते जा रहे हैं, बेस पे ना। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, बेसिपिटल, और बेसिपिटल अरेंजमेंट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ साइमोज। और टर्मिनल फ्लावर का प्रेजेंस होना भी साइमोज का फीचर है, और पेडंकल का ग्रोथ लिमिटेड होना भी साइमोज टाइप के इनफ्लोरेसेंस का फीचर्स है। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अब फ्लावर के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो आपको मैं शुरू में ही याद करवा चुका हूं कि जितने भी फैमिली हैं ब्रैसिकेसी को छोड़ के, सब में फ्लावर के पेडिसल के बेस पे छोटा सा रिड्यूस सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, ब्रैक्ट बोल लीजिएगा। और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर, है ना, तो इसको बोल दिए ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। अगले पॉइंट पे जाइएगा, अब फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर आपको कैसा देखने को मिल रहा है, बाइसेक्सुअल, कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी एक ही फ्लावर पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी एक ही फ्लावर पे है, तो ये फ्लावर कैसा हो जाएगा, तो बोल लीजिएगा ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हो जाएगा या हर्माफ्रोडाइट होगा। अच्छा, अगला टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक, प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको सिमेट्री की बात पूछी बताई जा रही है कि फ्लावर में सिमेट्री कैसा होगा, किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिए तो क्या बोल दिए, एक्टिनोमॉर्फिक। सर अगर एक ही प्लेन से डिवाइड कर पाए तो,
अरे भाई जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल बोल दीजिएगा और एक्टिनोमॉर्फिक को क्या बोल दीजिएगा, रेडियल सिमेट्री। हाइपोगाइनस फ्लावर, अरे भाई कितने बार मैं बताऊं, अगर गाइनोशियम सबसे ऊपर की ओर है तो हाइपोगाइनस और ओवरी कैसा सुपीरियर, सर हाइपोगाइनस टर्म इज यूज्ड फॉर, भाई फ्लावर के लिए यूज किया जाता है, ओवरी के लिए नहीं यूज किया जाता है। ओवरी के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, ओवरी के लिए टर्म यूज करेंगे सुपीरियर ओवरी। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब एक टर्म आया पेंटामेरस, अगर सेपल्स पांच है, पेटल्स पांच है, एंडोशियम में स्टामेन पांच है और गाइनोशियम में कार्पेल पांच है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, पेंटामेरस। तो जितने भी वर्ल्ड है सब में पांच पांच यूनिट प्रेजेंट है, क्या बोल लीजिएगा, पेंटामेरस। अच्छा अगले पॉइंट पे जाता हूं, इपिकैलिक्स की बात करता हूं। अगर इपिकैलिक्स की बात कीजिएगा तो इपिकैलिक्स में क्या बताइएगा, अच्छा सर पहले इपिकैलिक्स होता ही क्या है इस बात को समझा दीजिए। आइए मैं डायग्राम के थ्रू इपिकैलिक्स दिखाने की कोशिश करता हूं। इपिकैलिक्स क्या होता है एक्चुअल में, जो आप यहां पे फ्लावर देख पा रहे हैं, इस फ्लावर की बात करता हूं, यहां पे छोटा सा रिड्यूस सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मैं इस ट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, ये छोटा सा रिड्यूस सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्या। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो यहां पे ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ना, छोटा सा रिड्यूस सा स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, आप इसी को क्या बोल सकते हैं, एपिकैलिक्स बोल सकते हैं। डन, यहां पे भी आप देख पा रहे हैं एपिकैलिक्स ये देखने को मिला और फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैलिक्स देखने को मिल रहा है। आइए वापस उसी पॉइंट पे आता हूं। तो एपिकैलिक्स आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो तीन से सात देखने को मिल सकते हैं। और एपिकैलिक्स भी, अरे भाई वर्ल्ड के रूप में आ गया ना एपिकैलिक्स, तो या तो फ्यूज हो सकता है या तो फ्री हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, फ्री देखने को मिलता है और ग्रीन कलर का होता है। दे आर ट्रांसफॉर्म्ड ब्रैक्टियोल्स, एक्चुअली है क्या ये ब्रैक्टियोल्स का ही मॉडिफिकेशन है। एपिकैलिक्स किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रैक्टियोल्स का। सर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स में डिफरेंस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दीजिए। अरे भाई देखिए यहां पे, मान लीजिए यहां पे ये वाला फ्लावर था, है ना, यहां पे ये वाला फ्लावर मान ले रहा हूं मैं। अब फ्लावर में यहां पे ये स्टेम पे ओरिजिनेट किया था, बेस पे यहां पे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले, बेस पे यहां पे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले, तो इसका नाम क्या दीजिएगा, इसका नाम दीजिएगा ब्रैक्ट नाम दीजिएगा। अच्छा अब इस बेस के ऊपर में ये छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले, ये आपको यहां पे देखने को मिले, ये आपको यहां पे देखने को मिले, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, ब्रैक्टियोल्स बोल दीजिएगा, इसको बोलिएगा ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स बोल दीजिएगा। Then, तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स की बात हुई, इसको बोल देते हैं क्या, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल, छोटा सा रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्ट, और बेस के ऊपर में तो इसको बोल दिया ब्रैक्टियोल्स। Then, आते हैं वापस अपने ही पॉइंट पे, तो बता रहे थे आपको कि ये ब्रैक्टियोल्स का मॉडिफिकेशन है। अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं, तो अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। तो ये है हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रैक्टियोल्स आर लाइक ब्रैक्ट विच आर प्रेजेंट ऑन द पेडिसल। मैं समझा चुका हूं, जो ये ब्रैक्टियोल्स का स्ट्रक्चर है ना, क्या है, पेडिसल के ऊपर रहता है और इसमें एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलता है, वाल्वेट टाइप देखने को मिलता है। सारे पॉइंट को नहीं बताऊंगा, आ जाइएगा वापस। वाल्वेट टाइप एस्टिवेशन क्या होता है, पीछे के लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। कैलिक्स की बात करता हूं, सेपल्स कितने हैं, तो बोल लीजिएगा सेपल्स यहाँ पे पांच देखने को मिलता है और पांचों सेपल्स आपस में फ्यूज हो गया, इसलिए टर्म क्या यूज किया, गैमोसेपल्स। पांचों सेपल्स फ्यूज हो गया इसलिए टर्म क्या यूज किया है, गैमोसेपल्स। और बोल लीजिएगा एस्टिवेशन कैसा देखने को मिल रहा है, तो बोल लीजिएगा एस्टिवेशन यहां पे देखने को मिल रहा है वॉल्वेट टाइप, वही ओवरलैपिंग नहीं है। बोल लीजिएगा ये जो सेपल्स है एक दूसरे को मात्र टच कर रहा है, ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन। अच्छा अब कुछ प्लांट में सेपल्स फ्रूट सेट हो जाने के बाद भी अटैच रह जाता है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, परसिस्टेंट सेपल्स, है ना। जैसे आप भिंडी की बात कर लीजिएगा, कॉटन की बात कर लीजिएगा, तो इन सारे जगह पे आपको परसिस्टेंट सेपल्स या कैलिक्स देखने को मिल जाता है। फ्रूट सेट हो जाने के बाद कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम सारे पार्ट उससे डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन किसी किसी प्लांट में फ्रूट सेट हो जाने के बाद भी कैलिक्स बचा हुआ है, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, परसिस्टेंट कैलिक्स। अच्छा अगले पॉइंट पे आते हैं, कोरोला की बात करते हैं। तो कोरोला में पेटल्स कितना है, तो पेटल्स यहां पे पांच है, है ना, और पांचों पेटल्स फ्री है, इसीलिए क्या बोल दिए, पॉलीपेटलस। देन अच्छा
एस्टिवेशन स्टार पॉइंट कीजिएगा। मालवेसी फैमिली में एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलता है, तो बोल लीजिएगा ट्विस्टेड टाइप। ओवरलैपिंग है, सेपल्स और पेटल्स का ओवरलैपिंग है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में। अगर सर फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता तो क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट टाइप। अब फिक्स डायरेक्शन में है ना, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, ट्विस्टेड टाइप। और पहले ही समझा चुका हूं मिसलेज का प्रेजेंस होता है। एंडोशियम की बात कीजिएगा, तो एंडोशियम में जो स्टामिन का नंबर है ना, भरे पड़े रहते हैं, है ना, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, स्टामिन इनडेफिनिट भरे पड़े हैं। और सारे स्टामिन फ्यूज करके, सारे स्टामिन का फिलामेंट फ्यूज करके एक बंडल बनाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनो एडल्फस। एडल्फी कहने का मतलब फ्यूजन ऑफ फिलामेंट ऑफ द स्टामिन। एंथर का फ्यूजन नहीं है, एंथर फ्री दिखता है, और बोल लीजिएगा सारे के सारे फिलामेंट फ्यूज करके एक बंडल बन। सर अगर दो बंडल बनाता है तो क्या बोला, अरे भाई डाई एडल्फस बोल लीजिए। सर एग्जांपल बताए, अरे पी फैमिली, फैवेसी फैमिली या लेगुमिनेसी फैमिली, डायडल्फस। सर बहुत सारा बंडल बने तो पॉलीडल्फस बोल लीजिए, एग्जांपल बता दीजिए सर। अरे भाई सिट्रस कैसा होता है, पॉलीडल्फस। अगले पॉइंट भाई, मींस फिलामेंटस यूनाइटेड टुगेदर एंड एंथर आर रिमेन फ्री। बता ही चुका हूं कि फिलामेंट जो होगा वो क्या होगा, यूनाइटेड होगा, और स्टामिन क्या होगा, स्टामिन का एंथर क्या होगा, फ्री होगा। अगले पॉइंट पे आता हूं, गाइनोशियम की बात करता हूं। ये तो मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूं कि मालवेसी फैमिली पेंटामेरस फ्लावर है, और अगर पेंटामेरस फ्लावर हुआ तो सारे यूनिट, सारे वर्ल्ड के यूनिट कितने होंगे, पांच पांच होंगे, तो क्या दिक्कत है। यहां भी लिख दिया पेंटा कार्पेलरी, है ना। अगले पॉइंट पे, अब सारे कार्पेल फ्री है तो क्या बोल लीजिएगा, पॉली कार्पेलरी, है ना। या कभी सिन कार्पस होता है तो कैसा होता है, अस्टिग्मा फ्री है, बाकी सब फ्यूज है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, इनकम्प्लीट सिन कार्पस, है ना। बोले अस्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों फ्यूज होके एक बंडल बनाया है, देन इसको बोल लीजिएगा कंप्लीट सिन कार्पस। अस्टिग्मा सबका फ्री है, अलग अलग है, लेकिन स्टाइल ओवरी सब फ्यूज करके एक हो गया। सर डायग्राम दिखाइए तो समझ में आए। देखिए मैं दिखाता हूं डायग्राम, यहां पे ये स्टाइल और ओवरी एक ही में दिख रहा है। यहां पे बहुत सारे इस तरह से एंथर लगे हुए हैं, बहुत सारे इस तरह से एंथर लगे हुए है ना। यहां पे बोल लीजिएगा एंथर लगा हुआ है, यहां पे इस तरह से एंथर लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है ना। बोल लीजिएगा स्टामिन भरे पड़े हैं, भर भर के स्टामिन है। और यहां पे जो गाइनोशियम देखने को मिल रहा है ना, गाइनोशियम आपको पांच देखने को मिल रहा है, ये आपका पांच देखने को मिल रहा है। डन, क्या देख पा रहे हैं, सबका अस्टिग्मा क्या है, फ्री, स्टाइल ओवरी क्या है, फ्यूज, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, इनकम्प्लीट सिनकार्पस। क्या बोल लीजिएगा, इनकम्प्लीट सिनकार्पस। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, प्लेसेंटेशन की बात करता हूं, तो प्लेसेंटेशन क्या है। अच्छा एक और टर्म आता है, स्टेमिनल ट्यूब क्या होता है, स्टेमिनल ट्यूब की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को छोड़ दिया था। स्टेमिनल ट्यूब क्या होता है, देखिएगा ये जो अस्टामिन का फिलामेंट पार्ट एक में फ्यूज हो गया था, अब उसी में क्या दिखता है, स्टाइल भी फ्यूज दिखता है और ओवरी भी फ्यूज दिखता है, है ना। देखिएगा द ओवरी एंड स्टाइल आर इंक्लोज इन द स्टेमिनल ट्यूब। ओवरी और स्टाइल दोनों किसके अंदर इंक्लोज है, स्टेमिनल ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम क्या दीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा स्टेमिनल ट्यूब, इसको बोल लीजिएगा स्टेमिनल ट्यूब। डन, ये बातें समझ में आई, स्टेमिनल ट्यूब क्या होता है। अब एक टर्म आ रहा है एक्साइल प्रेजेंटेशन, है ना। अगर बोल लीजिएगा यहां पे इस तरह से ओवरी है और इसमें कई सारे चैंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से आपको चैंबर कई सारे देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा यूनिलोकुलर या मल्टीलोकुलर, सर ओवरी में कई सारे चैंबर हैं तो इसको बोलना पड़ेगा क्या, यूनिलोकुलर या मल्टीलोकुलर, तो बोल लीजिएगा सर इसको तो बोलना पड़ेगा मल्टीलोकुलर। इस तरह से प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, है ना। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया। अगले पॉइंट सुनिएगा, फ्रूट के टाइप की बात करता हूं,
तो अगर फ्रूट के टाइप की बात कीजिएगा तो यहां पे मालवेसी फैमिली में फ्रूट कैसा दिखता है, लोकलीसाइडल कैप्सूल। कल मैं इस बात को डिस्कस किया था, फैमिली जब स्टार्ट किया ना तो ब्रशिकेसी में बताया कौन सा सिलिको टाइप और मालवेसी में कौन सा लोकलीसाइडल कैप्सूल। बाकी सारा बात मैं यहां पे लिखा तो हूं, लेकिन जो आपको फ्रूट टॉपिक अलग से बताया हूं, फ्रूट टॉपिक में ये सारी बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, इसलिए मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं, बैक लेक्चर में जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब कैसा फैमिली है, मोनोकॉट फैमिली है या डाइकॉट फैमिली है? तो बोलेंगे सर अभी तो आप बताएं कि ये डाइकॉट फैमिली है, और अगर डाइकॉट फैमिली है तो इसमें दो कॉटिलेडॉन होगा सीड में, और दो कॉटिलेडॉन के डेवलपमेंट में बोल लीजिएगा पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, और अगर कंज्यूम हो गया एंडोस्पर्म तो कैसा सीड, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? सर एंडोस्पर्म है ही नहीं बचा हुआ तो इसको हम एंडोस्पर्मिक कैसे बोल सकते हैं, हमको क्या बोलना पड़ेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलना पड़ेगा। तो ये कैसा हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। अगले पॉइंट पे जाता हूं, फ्लोरल फॉर्मूला की बात करता हूं। आपको एक बात फिर से याद दिलाता हूं, जितने भी फैमिली हमको पढ़ने हैं ब्रैसिकेसी को छोड़ के सब में ब्रैक्ट होता है, इसलिए क्या बोल देंगे, चाहे आप बात कर लिए मालवेसी फैमिली की, चाहे फैबेसी की, फैबेसी फैमिली की, चाहे आप बात कर लीजिए किसकी एस्टेरेसी की, चाहे आप बात कर लीजिए किसकी पोएसी की, हर फैमिली में पेडिसल के बेस पे छोटा सा रेडियस लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। तो यहां पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और बताएं सिमेट्री कैसा होता है, तो बोल लीजिएगा सिमेट्री यहां पे देखने को मिलता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और फ्लावर कैसा है, तो बोल लीजिएगा फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब बात आ जाती है सबसे बाहर में फ्लावर, फ्लोरल डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एपिकैलिक्स को। तो एपिकैलिक्स कितना होगा, 3 से 7, और एस्टिवेशन आपको पहले बता चुके हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा। अगला कैलिक्स कितना है, 5, और पांचों क्या था, फ्यूज। कोरोला कितने थे, 5, और पांचों क्या थे, 3, और एंडोशियम इनडेफिनेट, बट कैलिक्स इज फ्यूज्ड विथ, सॉरी कोरोला इज फ्यूज्ड विथ एंडोशियम। और इस कंडीशन का नाम क्या दीजिएगा, तो इस कंडीशन का नाम दीजिएगा इपीपेटलस, इपीपेटलस कंडीशन। देन गाइनोशियम कितने हैं, तो गाइनोशियम 5 से इंडिफिनिट है, और वो भी कैसा है, सुपीरियर है, वो भी कैसा है, सुपीरियर। अगले पॉइंट पे जाइए, अब फ्लोरल डायग्राम की बात करता हूं, पहले डायग्राम ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ये नेचुरल फ्लावर दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हैं जो ये वाला ऊपर की ओर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहां पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसको रिप्रेजेंट किया गया, गाइनोशियम को, गाइनोशियम 5 है, और गाइनोशियम का स्टामेन सिर्फ बाकी स्टेमिनल ट्यूब के अंदर दिख रहा है, और एंडोशियम इंडिफिनिट दिख रहा है ना। ये मदर एक्सिस के बारे में दिखा दी है, और ये आ जाइएगा इपिकैलिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इपिकैलिक्स दिखाया गया है। सबसे बाहर की ओर चलते हैं, तो सबसे बाहर की ओर कौन सा है, तो सबसे बाहर की ओर आपको देखने को मिलेगा कैलिक्स। कैलिक्स का नंबर कितना है, तो कैलिक्स का नंबर आपको देखने को मिल रहा है 5, और पांचों क्या देखिए ना, आपस में फ्यूज दिख रहा है ना, आपस में फ्यूज दिख रहा ही नहीं दिख रहा है, सेपल्स 5 से, पांचों फ्यूज से है, और एस्टिवेशन कैसा दिखा, वॉल्वेट टाइप। अब कोरोला की बात करता हूं, कोरोला 5, कोरोला में पेटल्स कितने, 5, और पांचों क्या है, 3, लेकिन एस्टिवेशन इसका खास है, एस्टिवेशन कैसा देखने को मिल रहा है, तो ट्विस्टेड टाइप, देखिए ना, एक इन अंदर दूसरा इन बाहर, एक इन अंदर दूसरा इन बाहर, हर जगह यही देखने को मिल रहा है, क्या ओवरलैपिंग फिक्स्ड डायरेक्शन में रहे, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ विच फैमिली, मालवेसी फैमिली, कॉटन फैमिली, या बोल लीजिएगा लेडी फिंगर में देखने को मिलता है, या चाइना रोज में देखने को मिलता है ना। और अंदर में आपको एंडोशियम देखने को मिलेगा, एंडोशियम का नंबर इंडिफिनिट होगा, बोल लीजिएगा एंड्रोशियम भरे पड़े होते हैं। गाइनोशियम की बात कीजिएगा, गाइनोशियम में 5 है, और पांचों में इनकम्प्लीट सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगा। देन और बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा चुका हूं। अगले पॉइंट पे जाते हैं, तो आ जाइएगा किस पे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फूड के तौर पर किसको यूज करते हैं हम लोग, लेडी फिंगर को यूज करते हैं, या बोल लीजिएगा भिंडी को यूज करते हैं, इसी को ओकरा भी बोल दिया जाता है। वाइल के तौर पे कॉटन सीड को यूज करते हैं, या गॉसिपियम सीड को यूज करते हैं, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, फाइबर्स के तौर पे कॉटन, पटुआ और पटसन हो जाएगा। ऑर्नामेंटल के तौर पे कौन आ जाएगा, चाइना रोज आ जाएगा, और इसी चाइना रोज का नाम देते हैं सू फ्लावर, और इसी का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। डन।
तो ये फैमिली हो जाता आपका कौन सा फैमिली, तो मालवीयसी फैमिली की बात हो गई। और अगले क्लास में बच्चे हम लोग बात करेंगे, अगला फैमिली वो है हमारे पास लेगोमिनेसी फैमिली। थैंक यू बच्चे।